हेलो गाइस, फिर से हाजिर एक नीवी साथ में। आज आपको बताने वाले आईसीआई डायरेक्ट ऐप्स, और आईसीआई डायरेक्ट ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके फ्री ऑफ कॉस्ट 800 रुपये तक अर्निंग कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल फ्री है। इसमें आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो बिल्कुल 0 रुपये में। आप 0 इन्वेस्टमेंट करके बिल्कुल फ्री में अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करके रेपर अर्न करके बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अभी एक ऑफर चल रहा है कि 800 रुपये पर रेपर मिल रहा है। एकदम रियल सच है, प्रूफ आपके सामने है। 800 रुपये पर रेपर आपको मिल रहा है, और जितने बंदों को आप रेफर करोगे 800 रुपये मिलेगा। कैसे इसमें मिलेगा, कैसे स्टेप टू अकाउंट ओपन करना है, अकाउंट ओपनिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करना है, सारी प्रोसेस आपको इसमें स्टेप टू बताने वाला हूँ। यानी बहुत ही आसानी से यदि आपके अपना खुद का अकाउंट भी ओपन करोगे तो 800 रुपये आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस, आपको स्टेप टू बताने वाला हूँ। तो करना क्या, आपको इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो आपको बताऊंगा इसे स्टेप टू फॉलो करना है। बहुत ही आसानी से अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसमें जो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास में जरूरी होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, और आपके पास में एक आधार कार्ड वाला जो नंबर है वो आपके पास में होना चाहिए, जो आपके मोबाइल नंबर लिंक होने चाहिए। ये सब चीज़ आपके पास में है तो आप बिल्कुल फ्री कॉस्ट अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। बहुत ही आसानी से, इजी वे में आप अपना एक अकाउंट ओपन कर सकते हो और उससे रेपर और ऑन करके 800 रुपये तक की अर्निंग कर सकते हो। और इसके टाइम के अनुसार चेंजेस होते रहते हैं, कभी 750 मिल जाता है, कभी 800 मिल जाता है, कभी 900 तक भी मिल जाते हैं। तो ये जो टाइम के अनुसार इनके जो अपडेट चेंज होते रहते हैं, लेकिन अभी जो ऑफर चल रहा है कि 800 रुपये में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और आप फ्री कॉस्ट रेपर ऑन करके बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हो। मैंने खुद अर्निंग की है, मेरे पास में एक मैसेज आया था और मेरे जो बंदे ने रिकमेंड किया इसमें, जो मतलब अपना अकाउंट ओपन किया 12 तारीख को मेरे को शाम तक जो इसका मैसेज आया था, और मेरे 14 तारीख के अकाउंट में क्रेडिट कर गया पैसा। यानी जो 250 जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस था, जो उसने स्टेबिलिटी फॉलो किया और उसका अकाउंट ओपन हो चुका था, जो उसका पैसा था मेरे अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट कर दिया गया बहुत ही आसानी से। और गाइस, से जो दूसरी बात करूँ, इसमें जो पैसा का जो ट्रांजेक्शन होता है, जैसे आप जो किसी भी बंदे को रेफर करते हो तो उसका पैसा हमें विड्रॉ करना होता है, कैसे क्या करना है, तो आपको विड्रॉ करने के लिए भी कोई झंझट नहीं है इसमें। बहुत ही आसानी से जिस बंदे को आप रेफर किया है उसका जो भी पैसा होगा, जो आपने बैंक लिंक की है, आपने डीमैट अकाउंट खुद का ओपन किया होगा, तब आपने जो बैंक लिंक की है उसी बैंक में आपके ऑटोमेटिक ही आईसीआई डायरेक्ट ऐप्स वाले ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि मैं आपको फेक बोल रहा हूँ, मेरी खुद अर्निंग हुई है। मेरी अर्निंग आप देख सकते हो, 250 रुपये मेरे क्रेडिट किए गए हैं सीधे बैंक अकाउंट में। मुझे कुछ भी विड्रॉ लगाने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसानी से हुआ है। और मैं भी खुद जो इस चीज़ को एकदम रियल सच मान रहा हूँ, आप भी इस चीज़ को माने, और जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ इसे स्टेप टू फॉलो करें। आप बहुत ही आसानी से अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करके आप फ्री कॉस्ट रेफर ऑन करके बहुत ही अच्छे अर्निंग कर सकते हो। चलो मैं आपको बताता हूँ स्टेप टू कैसे इसमें अर्निंग करना है, कैसे इसमें रेफर करना है, बहुत ही आसानी से इजी वे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और तो भाई, जो आपका सबसे पहले काम रहेगा, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे जैसे तो कुछ इंटरफेस आपको ऐसे देखने को मिलेगा सिंगअप। इस पर आपको क्या करना है कि जो भी आपको मोबाइल नंबर है, जो आधार कार्ड और बैंक से लिंक है, वो आपको नंबर डालें। नंबर डालने के बाद कंटिन्यू करोगे तो जैसे आपके पास में एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद जो भी आपको ओटीपी आता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाता है। यदि नहीं होता तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करोगे तो कुछ इंटरफेस ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको करना यह है कि आपको यहाँ पर परमिशन पूछी जाएगी, तो आपको जो भी है नो कर देना। नो करने के बाद नेक्स्ट कर देना। यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ इंटरफेस आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसमें आपको सबसे पहले आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो आपको डालने होंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसके बाद में जो भी आपका मेल आईडी वगैरह है, जो भी डिटेल्स है वो आपको पूछ जाएगी, वो आपको डाल देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। यानी बहुत ही आसानी से मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बहुत ही ईजी वे है, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। इसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो आपको यहाँ पर चूज करनी है, चूज करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। हम जल्दी से ये चीज़ नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इंटरफेस यहाँ पे पूछा जाएगा, तो आपका बैंक कौन सा है, यानी आपका जो भी आप पैसा लेने वाले हो, विड्रॉ करने वाले हो, वो कौन सी बैंक में लोगे। तो यदि ऐसे ही है तो आपको ऐसे ही सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में जो अकाउंट नंबर डालने हैं वो IFSC कोड डालें, वो डालना है। और यदि आपको दूसरी है तो आपको दूसरा डालने के बाद आपको IFSC वगैरह सब डालने के बाद टिक करना है। जैसे यहाँ पर टिक करते हो तो डिजी लॉकर पर चले जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है कि जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। बहुत ही आसानी से जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको डालना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे जो नेक्स्ट करने के बाद आपको जो ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका जो भी है जो आधार कार्ड से लिंक होगा नंबर, उसके बाद में मैसेज आएगा और आधार कार्ड आपका वेरीफाई होगा। तो हमारे पास में जैसे ही मैसेज आएगा तो उसके बाद हम OTP डालते हैं, OTP डालते हैं बाद कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो आधार कार्ड तो वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। और ये जो हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पर जो परमिशन देनी है, जो भी आपको परमिशन मांगते हैं वो आपको परमिशन अलाउ कर देना है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको इस चीज़ के लिए बिलीव देता हूँ और विश्वास देता हूँ गाइस, क्योंकि बहुत से बंदे होते हैं कि ये जो फ्रॉड वगैरह हो जाएगा, बैंक से पैसा कट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं जो चीज़ बताता हूँ आपको एकदम रियल सच होती है, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, और जो भी आपके जो यहाँ पे पैन कार्ड वगैरह जो भी चीज़ें पूछी जा रही है, जो सिग्नेचर वगैरह है, सेल्फी वगैरह है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और आधार कार्ड का ये जो बैंक जो आपका बैंक वाला है दोनों का, ये आपको डाल सकते हो और नेक्स्ट कर देना, ठीक है। और एक और चीज़ का जिसे जो आपको बता दूं कि जो कई बार जो ऐसा भी आता है ऑप्शन आपके पास में कि ये जो सेगमेंट लिखा होता है और आपको यहाँ पे बैंक के कुछ प्रूफ वगैरह मांगते हैं,
तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे दो तो भी सही है, नहीं दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, स्किप करके नेक्स्ट कर देना, ठीक है। ये जो हमारा लगभग ऑलमोस्ट जो हमारा अकाउंट है क्रिएट हो चुका है। ये देखो अभी ये जो कुछ ऑप्शन पूछा जाएगा, ई साइन के लिए बोला जाएगा। तो ई साइन में क्या होता है कि जो आपका एकदम रियल क्या आप आधार कार्ड वाले हो या नहीं हो, तो वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे जो पूछा जाएगा, और एकदम प्रूफ आपको देना है। तो आपको सबसे पहले आपको जो भी आपका सेल्फी होती है, सेल्फी आपको खींच देना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ इंटरफेस आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, जो आपका आधार कार्ड वगैरह है जो ये इस साइन के लिए पूछा जाएगा। और लास्ट में आपका जो थैंक यू वगैरह आपको देखने को मिलेगा, कॉन्ग्रेचुलेसन आपका जो ICICI डायरेक्ट ऐप में अकाउंट सक्सेसफुली हो चुका है क्रिएट, ऐसा कुछ लिखा आएगा। देखो तो ये जो थोड़ा वेट करना है, उसके बाद ई साइन पे ऑप्शन आ जाएगा। तो ई साइन में जो मैंने आपको बताया है कि जो आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है उसमें एकदम ऑटोमेटिक आपका वेरीफाई होगा क्या आप सच में होता है या नहीं। तो मैंने जो किया कि जो रिडायरेक्ट कर दिया और बीच वाला बटन दबा दिया हूँ, तो इसीलिए हम वापस इसमें लॉग इन करते हैं। जो भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यदि आपको बैक हो जाता है या कोई दिक्कत के कारण आप रिजेक्ट हो जाते हो, बाद में वापस होते हो, तो कई कई बार ऐसा भी होता है कि जो हम बैक कर लेते हैं या किसी का फ़ोन आता है तो वो ब्राउज़र में रीडायरेक्ट होता है। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास में जो वापस नंबर डाले थे मोबाइल नंबर, वो डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज करना जो भी आपके हैं वो आपको डाल के सबमिट कर देना है। सबमिट करोगे उसके बाद जो ईमेल आईडी वगैरह वेरीफाई होगी, उसके बाद जो भी डिटेल्स पूछी जा रही है वो आपको ऑटोमेटिक आपको जो जो चीज़ें भरना चाहते हो वो भर सकते हो बहुत ही आसानी से। ऐसा नहीं कि जो आपको जो मैं बताऊंगा वही भरना है, ऐसा आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है वो आप यहाँ पे भर देना, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है ना, या जो आराम से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा जो इसमें जो आपको यहाँ पे जो पूछा जा रहा है जो परमिशन दे देनी है, उसके बाद एलो करके नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट कर दोगे तो कुछ इंटरफेस आपको ऐसा देखने को मिलेगा, इसमें जो आपका यहाँ पे एक्सेप्टेड लिखा आएगा है ना, तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेड क्लिक कर देना और उसके बाद नेक्स्ट कर देना। बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी तरीके से ये चीज़ बता रहा हूँ मैं। और ये हो जाने के बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, और जो अपनी एक आधार कार्ड जो आधार कार्ड वेरीफाई होती है ना, वो एकदम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। NSDL ऑफिशियल वेबसाइट होती है जो आधार कार्ड एकदम सच में है आपका वेरीफाई होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो चीज़ वेरीफाई होने के लिए आपको सबसे पहले आपका आधार कार्ड नंबर और ये सब चीज़ डालने होके बाद टिक कर देना, उसके बाद टिक करने के बाद आपको वेरीफाई होगा। जो भी आपके पास में OTP आता है, OTP आपको डालना होगा, उसके बाद वेरीफाई करना होगा। हमने जैसे यह जो OTP आया, OTP हमने डाल दिया, ये जो अकाउंट ओपन सक्सेसफुली हो चुका है, अभी देखो आ जाएगा, और ये लिखा अभी आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन यू, जो भी आपका नाम है वो आपको डन सक्सेसफुली। अब गाइस आपको 2-3 दिन का वेट करना है, उसके बाद में आपको जो ऑटोमेटिकली आपके मेल आ जाएगा और ईमेल आईडी पे जो आपने ईमेल आईडी डाली है उस पर, और इसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर सक्सेसफुल अकाउंट और रेफर और एंड सक्सेस ऑन, और इसके बाद में जो आपका आईडी नंबर होंगे वो और पासवर्ड दोनों आपको मैसेज कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको करना ये है कि प्ले स्टोर को ओपन करना, प्ले स्टोर को जैसे ओपन करोगे उसके बाद आपको सर्च करना होगा यहाँ पे ICICI डायरेक्ट ऐप, ठीक है। ICICI डायरेक्ट ऐप से जैसे आप लिखोगे तो सबसे टॉप पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखो हमने डाउनलोड कर रखा ऑलरेडी ये जो ICICI डायरेक्ट ऐप्स है, इस ऐप्स को हम ओपन करेंगे। अब ओपन करने के बाद कुछ इंटरफेस आपको ऐसा देखने को मिलेगा, मैं आपको और बता देता हूँ, थोड़ा वेट करेगा, उसके बाद में जो ओपन हो जाएगा। ICICI डायरेक्ट ऐप से बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अब आपको ये ऊपर दिखता है डॉट, इस पर आपको देखो क्लिक करना है सिंपली, जो आपको इस पर क्लिक कर देना है, जो आपका ऊपर है ना डॉट, इस पर क्लिक करना होगा। इसमें आपको जो पासवर्ड दे रखे वो आपको डालना है, उसके बाद में लॉगिन आईडी डालनी है, उसके बाद में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालनी है, उसके बाद में आपको लॉगिन कर देना है। यानी आपको जो भी तारीख है, जैसे जो हमारी तारीख है 15/3/1998, तो आपको बिना कॉमा के बिना जो लाइन के आपको डायरेक्ट डाल देनी है, जैसे 15/3/1998 बस सिंपल आपको डालना है, उसके बाद लॉगिन कर देना है। लॉगिन करोगे जैसे ही तो आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, जो ऊपर दिखता है ना 3 डॉट, इस पर क्लिक करना होगा। जो इस पर क्लिक करोगे तो आपको रैपर ऑन अर्न का सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, तो आप इस पर जाके रैपर कर सकते हो। जितने बंदों को आप रैपर करोगे वो भी, जितने बंदे आप जो रैपर होंगे, जितने बंदों को आप रैपर करने में होंगे, सभी का रैपर आपको यहाँ पे दिखेगा, योर रेफरल रिवॉर्ड में आपको देखने को मिलेगा। हमने जो जितने बंदों को रेफर किया वो सब आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और एक और चीज़ और भी बता दूंगा, इस ये करने के बाद आपको सबसे पहले आपको इसमें ओपन तो हो जाएगा सब कुछ, होने के बाद लॉगिन करने के बाद ID सब लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है वो आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसमें आपको जो भी आप इसमें जो अकाउंट, तो इसमें ओपन हो गया आपका सक्सेसफुली, ऐड भी हो गया, लेकिन अब एक और चीज़ आपको जरूरी बता दी, बहुत ज़्यादा ओपन इसमें आपको करना, क्लिक कोई भी है जो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है, और इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और फिर फ्यूचर में भी जिसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी जो इसमें शेयर खरीद देना, देखो मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, बस 100 रुपये मिनिमम बहुत आसानी से कर सकते हो। इसमें बाय वाला क्लिक करना है, बाय वाला जो ऑप्शन दिखता है ना, इस पर बाय पर क्लिक कर देना, बाय करना है। बाय करने के बाद जो भी आपके आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद 100 रुपये आपको ऐड कर देना है, फोन पे गूगल पे किसी भी से भी ऐड करने के बाद आपको जो ट्रेड कर देना है, कोई भी आप ट्रेड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई इसी में कोई ट्रेड बताऊँ, कोई भी XYZ
ट्रेड करने के बाद उसी को ट्रेड कर देना, एक बार ट्रेड करने के बाद जो तुरंत तुरंत उसको सेल कर देना, आपका जो भी पैसा होगा बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा, ठीक है। और जितने भी दो आप व्यापार होगे, जो भी बैंक अकाउंट में जो भी पैसा आएगा सब आपको बैंक अकाउंट में सीधा आ जाएगा, आपको यहाँ पे विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको लाइव प्रूफ। और हाँ गाइस, वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब देना, क्योंकि ऐसे वीडियो हम आपको शेयर करते हैं जो रैपर ऑन करके बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। और हमने टेलीग्राम की लिंक दे रखी डिस्क्रिप्शन में, गाइस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।